भाई मैं जानता हूं कि मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा लेट स्टार्ट कर रहा हूं, और वो भी तब जब कल की फिल्म आज से लगभग 10-11 दिन बाद रिलीज होने वाली है। लेकिन लेट शुरू करने से भी ज्यादा बड़ा पाप होगा इस बारे में बात ही ना करना। वैसे आमतौर पे द ड्रॉइंग हाउस पे कॉमिक बुक्स, सुपर हीरोज एंड ऑफकोर्स गेमिंग एंड एनिमेशन के बारे में ज्यादा बात होती है, लेकिन इस बार हम एक एक्सेप्शन लेते हुए बात करना चाहते हैं एक ऐसी फैंटसी जॉनरा फिल्म की जो कि भारत में अपने आप में एक बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कल की 2898 एडी की, जो कि एक भारतीय साइंस फिक्शन एक्शन जॉनरा की फिल्म है, और 27 जून को ये रिलीज होने वाली है, 27th of June। और सभी लोग जिन ने इसका ट्रेलर देखा है, टीजर देखा है, सभी जो दर्शक हैं, जो सिनेमा लवर्स हैं, वो इस फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। मैं और पूरी टीम हमारी ड्रॉइंग हाउस की बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज हम बात करते हैं कल की फिल्म के बारे में। आखिर ये है क्या? अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी कल की के बारे में नहीं पता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द बज, आखिर ये फिल्म क्यों इतनी स्पेशल है और आखिर क्या हम देखने वाले हैं, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड और बात करते हैं कल की। What is Kalki 2898 AD? तो देखो ये एक इंडियन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है नाग अश्विन ने, जो कि तेलुगु सिनेमा के एक जाने माने डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर हैं। इसमें देखने को मिलेंगे अमिताभ बच्चन, प्रभास, कमल हसन, दीपिका पादुकोण, दिशा पाटनी और कई सारे जाने माने अभिनेता। इसकी कहानी का कॉन्सेप्ट हमारे भारतीय हिंदू पुराणों से लिया गया है और उसे साइंस फिक्शन के साथ में जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि हमारी जो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, हिंदू हिस्ट्री, अलोंग विद द माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स, उसको जोड़ा गया है, उसका एक एमलगेमेशन है साइंस फिक्शन के साथ में। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हम यूजुअली हॉलीवुड मूवीज में ज़्यादा देखते हैं, लेकिन अब हम एक काफ़ी बड़े बजट में और एक अमेजिंग कास्टिंग के साथ में इंडिया में होता देख रहे हैं। कल की 2898 AD एक ऐसी फिल्म है जिसका इंतजार, अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं पर्सनली शायद पिछले 20 सालों से कर रहा हूँ, और मैं ही नहीं, मेरे जैसे लाखों करोड़ों भारतीय हैं जिनको एक ऐसी फिल्म का इंतजार था जो कि भारतीय हो, हिंदुस्तानी हो, भारत में बनी हो, हमारे इंडियन स्टार कास्ट हो और उसमें वो एलिमेंट्स हो जिनको हम सभी हॉलीवुड मूवीज में कई दशकों से देखते आ रहे हैं। आई मीन कम ऑन, हम सभी ऑल द 90s किड्स, हमें याद है बैक इन द 90s जब हमने टर्मिनेटर देखते थे, स्टार वॉर्स देखते थे, तो उस जमाने से हम ये विश किया करते थे कि काश इसी बड़े बजट पे कोई इंडिया में फिल्म बन सके। क्या ऐसा कभी हो सकता है? वेल, ऐसा अब तक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए होंगे तो हुए होंगे, लेकिन ऐसा होता दिख रहा है अब फाइनली 27 जून को रिलीज होने वाली कल की 2898 AD में, एन इंडियन स्टोरी विद अ हॉलीवुड स्टाइल फील एंड लुक। तो अब बात करते हैं इसके स्टोरी प्लॉट के बारे में, द स्टोरी प्लॉट ऑफ कल की 2898 AD। तो भाई इस फिल्म का स्टोरी प्लॉट एक डिस्टोपियन फ्यूचर में सेट है जो कि एक पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया को दर्शाता है। पोस्ट एपोकलिप्स का मतलब होता है एक ऐसा समय या एक ऐसी दुनिया जब जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है हमारी वो लगभग खत्म हो चुकी है या फिर पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर है। हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कम्प्लीटली खत्म कर दिया है और जो अरबों की संख्या है वो बहुत सीमित रह गई है। इस तरीके के जॉनरा की मूवीज हॉलीवुड में हम कई दशकों से देखते आ रहे हैं, तो फिर सवाल उठता है इसमें ऐसा क्या स्पेशल है? स्पेशल ये है कि इस फिल्म की कहानी 2898 AD की है, यानी कि हिंदू पुराणों के अनुसार कलयुग के अंतिम दिनों की, जब ये कहा जाता है कि बुराई, पाप और अधर्म का नाश करने के लिए भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि जन्म लेंगे। इस फिल्म का अनाउंसमेंट 2020 में कर दिया गया था, लेकिन इसका प्रोडक्शन कोविड के चलते रुक गया था, और अब फाइनली 27 जून को यह फिल्म रिलीज होने वाली है। 600 करोड़ के बजट की इस फिल्म को लेकर शुरुआत में हम सभी स्केप्टिक थे, और हो भी क्यों ना भाई, अभी कुछ ही समय पहले प्रभास की एक मास्टरपीस जो देखने को मिली थी वो भी कुछ ऐसे ही 600-700 करोड़ की बताई जा रही थी। लेकिन आज से कुछ महीनों पहले से जैसे जैसे इसके प्रमोशनल पोस्टर्स और टीजर्स सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे इसकी हाइप बनने लगी है, अमिताभ बच्चन के अश्वत्थामा लुक से लेकर प्रभास के भैरवा लुक तक, और जिस तरह से भैरवा की कार बुज्जी को सामने लाया गया है, उसको स्पेशली लॉन्च किया गया, और अब फाइनली कल की 2898 AD का मोस्ट एंटिसिपेटेड ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है। ये तो कहना और मानना ही पड़ेगा कि कल्कि के फिल्म मेकर्स ने ऑडियंस के बीच में जो एंटिसिपेशन और जो एक्साइटमेंट का लेवल है वो इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, उस चीज में ये 100% सफल हुए हैं।
अब जहां तक साइफाई जॉनर का सवाल है तो ये बात बिल्कुल सही है, भारत में ऐसे और भी एक्सपेरिमेंट्स पहले हुए हैं, लेकिन इस लेवल के, इस बजट के और इतना अमेजिंग एग्जीक्यूशन एटलीस्ट अब तक जो हमें टीजर्स और ट्रेलर में देखने को मिल रहा है वो हमें कभी भी देखने को नहीं मिला था। ईच एंड एवरी टीजर, ईच एंड एवरी प्रमोशनल वीडियो ऑफ कल्कि 2898 हमारे अंदर उस उम्मीद को, उस होप को और ज़्यादा बढ़ाती जा रही है कि जो स्टोरी, जो फिल्म हम देखने जा रहे हैं वो अपने आप में एब्सोल्युटली अमेजिंग होने वाली है। ये सभी स्पेकुलेशंस हैं, लेकिन इन स्पेकुलेशंस के साथ में ही हमें जो विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं वो हमारी उम्मीदों को और मजबूत कर रहे हैं। कल्कि 2898 AD एक ऐसी फिल्म मानी जा रही है जिसको केवल आप ही नहीं बल्कि आपको अपनी पूरी फैमिली के साथ जाकर देखना चाहिए। इसकी फिल्म लुक, इसके विजुअल्स, इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी, इसके VFX सब कुछ टॉप नॉच लग रहे हैं। इस वीडियो में हम ऑब्वियसली शॉर्ट ब्रेकडाउन्स की बात नहीं करने वाले हैं बिकॉज ऑलरेडी इसके बारे में तमाम यूट्यूब चैनल्स भरे पड़े हुए हैं, और ना ही हम किसी फैन थ्योरी की बात करेंगे। हालांकि फैन थ्योरीज बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं मानता हूं, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि फैन थ्योरीज के साथ साथ जो कुछ भी सामने चीजें निकल कर आती हैं, जो भी स्पेकुलेशंस निकल कर आती हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एज एन ऑडियंस जब हम थिएटर में जाते हैं उससे पहले हमारा जो इंटरेस्ट है बहुत कुछ नॉलेज फिल्म को देख लेने से पहले भी गैदर करना कहीं ना कहीं बोर्डम का काम कर सकता है। इसलिए मैं खुद भी बहुत अवॉइड कर रहा हूं कि मैं इन फैन थ्योरीज और इन स्पेकुलेशन में बहुत ज़्यादा डीप उतरूं। लेकिन फिर भी चूंकि आप सोशल मीडिया पर रहते हैं और आपका कंटेंट क्रिएशन का काम होता है तो ये तो कहना ही पड़ेगा कि डेफिनेटली इस तरीके की इन्फॉर्मेशन का कुछ ना कुछ पार्ट तो आप तक पहुँच ही जाता है, और जो कुछ भी पहुँच रहा है और जो कुछ भी हमारे स्पेकुलेशन हैं, जो फैन थ्योरीज हैं, कम्प्लीटली माइंड ब्लोइंग है यार। एक चीज़ मैं डेफिनेटली कहूँगा कि इस फिल्म में नाग अश्विन ने अलॉन्ग विद द एंटायर प्रोडक्शन टीम जिस तरीके की रिसर्च करी है हमारे भारतीय पुराणों पे, हिंदू माइथोलॉजी पे, हिस्ट्री पे, वो कहीं ना कहीं एक हमको एक प्राउड फीलिंग देती है। अब जाके वो फिल्म आ रही है जो हम सिनेमाघरों में देख रहे हैं और पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि देखो दैट्स द काइंड ऑफ प्रोडक्शन क्वालिटी जो कि हम भारतीय भी इसमें फिल्म बनाते हैं। यकीनन ऐसी फिल्म अब तक नहीं बनी है। जो कुछ भी टीजर्स में दिखाया गया है, जो अमिताभ बच्चन का, जो अश्वत्थामा का जो रोल है, वो अपने आप में इतना एक्साइटिंग है, मैं मानता हूं कि हर जगह उसके चर्चे हो रहे हैं। दीपिका पादुकोण का जो अभी अभी जो एक्चुअल में उस फिल्म में जो रोल है, वो जो क्लिप्स में दिखाया गया है, जो समझ में आ रहा है, वो अपने आप में कंप्लीटली माइंड ब्लोइंग है। और अगर बुज्जी की बात की जाए, पहले मुझे लगा था कि जिस तरीके से बैटमैन की टम्बलर को दिखाया गया है ये भी उसी तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और क्योंकि एक भारतीय फिल्म है तो वो दिखाना चाह रहे हैं मेकिंग में कि भाई फिल्म पे मेहनत हुई है, इसमें जो उसका प्रोडक्शन है उस पे मेहनत हुई है। लेकिन वाकई में बुजी का रोल जो है वो ना केवल बस एक कार का है बल्कि फिल्म में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है ये कार। तो ये कार अपने आप में सिर्फ कार नहीं है, ये तो हम सभी को पता है कि ये एक AI सिस्टम है जो कि भैरवा की मदद कर रहा है। और क्या आगे चल के इसका रोल निकलने वाला है, क्या ये क्या महत्वपूर्ण, क्या सिग्निफिकेंट रोल निभाने वाली है ये कार फिल्म में, ये तो डेफिनेटली एक कंप्लीट मिस्ट्री है और सीक्रेट है और बहुत ही एब्सोल्युटली अमेजिंग सस्पेंस है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है इस फिल्म की जो इसका स्टोरी प्लॉट है कि हालांकि ये कहानी फ्यूचरिस्टिक है, यानी कि फ्यूचर में सेट है, कलयुग के अंत के दिनों में सेट है, लेकिन इसका जो टाइम स्पैन है वो महाभारत तक जाता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक इवेंट में इसके डायरेक्टर ने हमें बताया था, लोगों को बताया था कि 2898 AD ये बकायदा एक कैलकुलेटेड डेट निकाली गई है जब महाभारत में लड़ाई हुई थी, महाभारत वॉर हुई थी, कुरुक्षेत्र की लड़ाई, और तब से लेके अब तक का जो समय है वो इन्होंने निकाला है 2898 AD। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारतीय कॉमिक बुक्स में कल्कि अवतार को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ कॉमिक बुक्स ऑलरेडी आ रखी हैं, कुछ ग्राफिक नॉवल्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, जिसके बारे में हम आने वाले किसी वीडियो में बात करेंगे। इट विल बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन ये बात तो मानने वाली है कि लाइव एक्शन के रूप में इतना एंटिसिपेशन मैंने बहुत ही कम फिल्मों का होते देखा है। एटलीस्ट मैं जितना एंटिसिपेशन इस फिल्म को लेकर बैठा हुआ हूं, मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि OTT पे इस फिल्म के आने का इंतजार मत करना। डेफिनेटली गो टू द थिएटर्स, अपनी फैमिली के साथ जाओ। दिस इज द काइंड ऑफ फिल्म जो कि आज के जेंजीज, आज के जो यंग जनरेशन है वो भी देखे, और अपनी ओल्डर जनरेशन को भी साथ में ले जाए, सीनियर जो फैमिली के लोग हैं वो भी जाए, एंड everyone विल enjoy दिस फिल्म। सो दिस वॉज द वीडियो गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर watching दिस वीडियो, लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो विद अदर्स, थैंक यू सो वेरी मच, गुड बाय। 27 जून कल्कि 2898 AD देखिए सिनेमाघरों में, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।